नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा आलोचनावादी शिक्षक की चुनौतियाँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको शिक्षक के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन इससे जस्ट पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो शिक्षक की एक संवाददाता के रूप में भूमिका थी उसके अंदर आलोचनात्मक पक्ष का एक महत्वपूर्ण बिंदु उसमें समाहित था, उसी बिंदु को लेकर आज हम एक इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं कि आलोचनावादी शिक्षक के सामने जब शिक्षक अपना कहते हैं शिक्षक अगर हमारी आलोचना नहीं करते हैं तो छात्र को अपनी उस कमी के बारे में भी पता नहीं चलता। तो ये वही चीज है कि आलोचनावादी जब शिक्षक एक आलोचनावादी बनते हैं तो उनके समक्ष ऐसे कौन कौन सी उनके सामने चुनौतियां आती हैं जिनका कि उन्हें सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि शिक्षक को एक किन किन विधियों के द्वारा किस स्तर के द्वारा किस तरीके से उनको शिक्षण करवाना है छात्रों को, ये एक चुनौती होती है उनके लिए कि किस तरीके से शिक्षक का ये प्रयास होता है कि जो उद्देश्य वो अपने लेकर जा रहा है जो शिक्षक जो छात्र को एक तरीके से संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए उसका वो उद्देश्य किस तरीके से पूरा होता है, या हम कहें कि जो छात्र शिक्षक पर विश्वास करते हैं उस विश्वास पर शिक्षक कहाँ तक खरा उतर सके, तो ये उनके लिए एक चुनौती होती है। और इसी चुनौती में ये आलोचना जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें ये बताते हैं कि जब शिक्षक का प्रयास रहता है कि उसके लिए बेहतर विकल्प जो हम छात्र के लिए चुनते हैं उन बेहतर विकल्पों को वो किस तरीके से चयन करे कि अधिक से अधिक हम छात्रों को उसके लिए लाभ दे सके, ये हमारे शिक्षक की एक महत्वपूर्ण और अहम रोल होता है क्योंकि उनका उद्देश्य होता है शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वो छात्र को जो हम छात्र के लिए जो उद्देश्य लेकर चले हैं उन उद्देश्यों को वो पूरी तरह से उन उद्देश्यों पर खरा उतरे, और जो विद्यार्थी उनके ऊपर जो विश्वास कर रहे हैं उस विश्वास को वो पूरा निभाए। तो यही चीज इसमें आलोचनावादी शिक्षक के रूप में यही चीज सामने आई है कि किस तरीके से हमें ये चीज निभानी है कि बच्चे एक तरीके से हमें किस तरीके से इसको निभाना है ये हमारे इस वीडियो में है। तो मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है आलोचनावादी शिक्षक की चुनौतियाँ, जो हमारे परंपरावादी जो हम कहते हैं कि परंपरावादी शिक्षण के स्थान पर छात्र और शिक्षक के मध्य जो संवाद होता है उसके रूप में एक हमारी ये चुनौती होती है आलोचना की। कहते हैं कि आलोचनावादी शिक्षक शिक्षण आलोचना जो हम कर आलोचनावादी का जो मुख्य बिंदु है वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया का एक अहम और महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि शिक्षक विषय वस्तु को अपने को जो स्थानांतरण करने में वो प्रयुक्त करता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब तक ज्ञान हमारा प्रमाणित ना हो जाए तब तक हम उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें वो चीज बताई गई है कि किस तरीके से शिक्षक अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं उसके लिए शिक्षक को एक आलोचनात्मक के रूप में सामने आना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे उस ज्ञान में कोई कमी रहती है तो वो उस कमी को किस तरीके से दूर करे ये एक आलोचना के रूप में होती है। और अगर आलोचनात्मक पक्ष ना हो तो हम इस चीज को मानते हैं कि छात्र अपने अंदर जो कमियां हैं उस कमी को वो कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे, या हम कहें कि हमारा एक ज्ञानात्मक इसके द्वारा हमारे जो शिक्षक है हमारे ज्ञानात्मक हमारा भावात्मक हमारा क्रियात्मक हमारे तीनों पक्षों को मजबूत करता है, क्योंकि जब वो आलोचनात्मक रूप लेते हैं जो आलोचना हमारे करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि शिक्षक हमारे तीनों रूपों का उसमें समाहित होते हैं, तीनों रूपों में जो कमियां होती हैं उन कमी के बारे में हमें शिक्षक बताते हैं। तो यहाँ जो हमारे सामने एक
सामने जो चुनौतियां आती हैं, वो चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी के अंदर जो हमारे शिक्षाविद थे ईरा शोर, उन्होंने ईरा शोर ने एक बात बोली थी, या उन्होंने आलोचनावादी शिक्षक के लिए अपने एक मत रखे थे। उन्होंने इस बात का ये कथन थे उनके कि एक छात्र में आलोचनात्मक चेतना का विकास समझ, पठन, लेखन एवं बोलने के द्वारा होता है। जो हमने पहले भी बताई थी कि हम जो पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी शिक्षक प्रारंभिक संवाद करता है, अपना प्रस्तुतिकरण पाठ का वितरण करता है और एक संवाद के संवाददाता के रूप में होते हैं, एक लेखन के रूप में होते हैं। तो ये सब चीजों का किस में होता है समावेश हमारी शिक्षण प्रक्रिया में। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे आलोचना में समाहित होते हैं, यानी कि जब हमारे प्रत्येक पक्ष को देखा जाता है तो इसमें हमारे ये सारे पक्ष आते हैं, जिसे हम कहते हैं समझ, हमारा क्रियात्मक भी आता है इसमें, या हम कहें इसमें हमारा ज्ञानात्मक, हमारा क्रियात्मक और हमारा भावात्मक, तीनों पक्ष इस डेफिनेशन में अगर हम देखें तो ये हमारे तीनों पक्ष इसमें समाहित हैं। इसमें बताया है कि एक छात्र में आलोचनात्मक चेतना का विकास हम इन तीनों बिंदुओं, चारों बिंदुओं के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि जब छात्र उसका निरीक्षण करते हैं तो वो इनके इन सारे तीनों चारों पक्षों को देखता है। उसके बाद में जो उनके अंदर कमी होती है उसको छात्र, उसके लिए वो छात्र को बताते हैं और अपना कहते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि इस आलोचना के रूप में शिक्षक और छात्र के मध्य एक दूरी पैदा हो जाती है। तो इसमें बताइए कि इतनी महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं जो कि शिक्षक को निभानी होती हैं। अब इसमें हम जो प्रथम चुनौती देखें, हम ये कहें कि शिक्षक, कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक को जब हमारी आलोचना करते हैं तो छात्र के लिए शिक्षक एक तरीके से अपना, या शिक्षक भी कई बार ऐसा कर जाते हैं कि आलोचना करने में वो कई बार अपनी पक्षपात नीति को अपना लेते हैं। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि जब तक हम एक आलोचना जो हम कर रहे हैं वो आलोचना हमारी हमेशा पक्षपात रहित होनी चाहिए। तो शिक्षक के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम किसी की, छात्र की आलोचनात्मक स्वरूप को हम देखना चाह रहे हैं तो वो हमारे लिए एक तरीके से, जो हम कहें कि इसके लिए हमें एक व्यक्तिगत पक्ष न देखकर, इसका एक पक्ष न देखकर उसके विभिन्न जो पहलू होते हैं हमें उन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो आगे जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने इन चुनौतियों के बारे में वर्णन किया है। इसमें जो हमारी प्रथम जो चुनौती है जो कहते हैं शिक्षक के सामने आती है, वो प्रथम है हमारी प्रत्येक छात्र को अवसर प्रदान करना। कहते हैं कि छात्र के जब शिक्षक आलोचनात्मक रूप में बच्चों की, एक आलोचनात्मक रूप में जब शिक्षक आते हैं तो उनके लिए प्रत्येक छात्र को अवसर प्रदान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन जाती है कि वो किस तरीके से प्रत्येक छात्र को वो अवसर प्रदान करें। शिक्षक में कहते हैं कि कम से कम वाद विवाद की आपस में, कहते हैं अगर प्रत्येक छात्र को अगर हम अवसर प्रदान नहीं करते हैं तो आपस में वाद विवाद होने की संभावना रहती है। तो वो इस चीज को बताते हैं कि प्रत्येक छात्र को किस तरीके से वो अवसर प्रदान करें, ये उनके लिए चुनौती होती है, जिससे कि आपस में उनके अंदर, आपस में छात्रों के बीच में मतभेद ना हो, वाद विवाद ना हो। तो ये चीजें उसके अंदर आती है कि किस तरीके से बच्चों का समान वितरण किया जाए, जो अवसर हम देते हैं कार्य करने का वो अवसर प्रत्येक बच्चे को समान दे और उसमें समान दृष्टि से उनका वितरण करें। तो ये शिक्षक के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो किस तरीके से वो अवसर, जो एक ही अवसर को सभी बच्चों को, किस तरीके से उसका विभाजन करें। तो प्रथम बिंदु हो गया हमारा प्रत्येक छात्र को अवसर प्रदान करना कि छात्रों बाद, जिससे कि क्या होता है कि अवसर प्रदान, जो अगर हम प्रत्येक छात्र को समान अवसर देते हैं तो उससे छात्रों में आपस में वाद विवाद होने का जो डर है वो वाद विवाद नहीं होता। सेकंड है हमारा छात्रों को छात्रों की रुचि के अनुसार दिशा निर्देशित करना। हमने देखा
कि प्रत्येक बच्चे की अपना इंटरेस्ट एक अलग होता है। तो इसमें जब हम कार्यों का विभाजन करते हैं तो शिक्षक को ये सबसे ज्यादा चुनौती होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो तो बच्चा उस कार्य में अपनी पूर्ण रुचि नहीं दिखाएगा, और अगर पूर्ण रुचि उसमें नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उस कार्य में कमी दिखाई देगी। तो ये है छात्रों की रुचि के अनुसार दिशा निर्देशित करना, क्योंकि शिक्षक जब भी अपनी दिशा निर्देशित करते हैं तो वो छात्रों की, हम कहते हैं ना, छात्रों की रुचि, योग्यता, उनकी आवश्यकता, उनकी उपयोगिता, इन सब चीजों को वो ध्यान में रखते हैं, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो उनके लिए एक दिशा निर्देशित करते हैं कि उन्हें इस दिशा में उन्हें कार्य करना है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि छात्रों के लिए जो हम दिशा निर्देशित करते हैं शिक्षक, वो भी उनके लिए आलोचना बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इस आलोचनात्मक रूप जब शिक्षक लेते हैं लेकिन जो छात्र के लिए दिशा निर्देशित करती है वो सही होता है, तो वो ये मानते हैं कि मुझे छात्र के लिए एक सही दिशा निर्देश देना है, चाहे मैं इसके लिए एक आलोचना का शिकार हो जाऊं। तो ये जब शिक्षक उनके लिए दिशा निर्देशित करते हैं तो कई बार उनका दिशा निर्देशित करना ही उनका आलोचनात्मक रूप आ जाता है, क्योंकि बच्चा जो छात्र ये समझने लगते हैं कि शिक्षक हमारे लिए शायद कोई पक्षपात कर रहे हैं या हमारे लिए कोई सही, जिसको हम कहें कि हमारे लिए सही दिशा निर्देशित नहीं कर रहे, तो दिशा निर्देश करना उनके लिए एक तरीके से जो उनका छात्रों के लिए जब हम एक दिशा निर्देशित करते हैं तो वो भी उनका शिक्षक के लिए एक आलोचनात्मक रूप आ जाता है। ये विभिन्न जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं हमारे हमारे शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। कहते हैं ये चुनौती होती है जिन्हें की सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार विभिन्न छात्र होते हैं, उन्हें किस तरीके से एक साथ लेकर चलना होता है, किस तरीके से उन्हें प्रत्येक बच्चों के लिए, जो हमने कहा प्रथम पॉइंट में कि किस तरीके से उन्हें समान अवसर प्रदान करने होते हैं, किस तरीके से उनको उसमें इंटरेस्ट जागृत करना होता है, किस तरीके से उन्हें उनके दिशा निर्देशित करने होते हैं, ये शिक्षक के लिए बहुत अहम भूमिकाएं होती है। इसके बिना शिक्षक, कहते हैं ना, एक शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं होती। शिक्षक आलोचनात्मक जो शिक्षण समस्त बिंदु जो होते हैं उन पर गौर करते हैं और उसके द्वारा वो अपने कार्य करते हैं। फिर आता है हमारा शिक्षक का मत। शिक्षक का मत, मत हम कहें तो शिक्षक का विचार। कई बार आपने देखा है कि जो शिक्षक के मत होते हैं उनके विचार होते हैं, कहते हैं ना कि हमारे जो मत होता है विचार वो हम अंत में प्रस्तुत करते हैं। तो कई बार जो मत हमारे सामने आते हैं तो वो कैसे होते हैं हमारे, कई बार हमारे नकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर जिस विद्यार्थी के लिए हम अपने जो मत प्रस्तुत कर रहे हैं अगर सकारात्मक होते हैं तो वहां वो स्थिति पैदा नहीं होती कि वो शिक्षक की आलोचना करे, लेकिन अगर वही अगर शिक्षक ने उसके नकारात्मक स्वरूप को भार लिया है कि इसके लिए हम कहें कि कोई भी नकारात्मक मत प्रस्तुत किया, तो वहां एक तरीके से शिक्षक और छात्र के बीच में जो एक, कहते हैं, उनके रिश्ते और उनके मध्य एक मतभेद पैदा हो जाता है कि किस तरीके से शिक्षक ने हमारे ये मत, तो कहते हैं ये जो मत प्रस्तुत करना होता है शिक्षक के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है कि किस तरीके से वो विद्यार्थी के लिए अपने मत प्रस्तुत करे, जिससे कि वो विद्यार्थी भी सेटिस्फाई होए, क्योंकि मत प्रस्तुत हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें विद्यार्थी को भी पूरी तरीके से, हम कहते हैं ना कि विद्यार्थी को भी सेटिस्फाई, संतुष्टि प्रदान होनी चाहिए। अगर जो अगर शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किए हुए मत अगर छात्र को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ हमारी स्थिति, जो शिक्षक की स्थिति होती है वो आलोचक के रूप में आ जाती है। तो अगर हम शिक्षक के बनाए हुए मत पर अगर छात्र नहीं मानते हैं तो वो शिक्षक की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो ये भी आलोचना वाले शिक्षक के रूप में एक चुनौती होती है। फिर है हमारी व्यक्तिक विचारों को महत्व, व्यक्तिक यानी कि स्वयं के विचारों को महत्व। हमने कई बार देखा है
कि शिक्षक क्या करते हैं कि अपने स्वयं के विचारों को महत्व देते हैं और खुद के विचारों को महत्व देते हैं तो वो छात्रों में पक्षपात करते हैं, क्योंकि कई बार वो हमारे स्वयं के खुद के विचारों से देखते हुए और क्या करते हैं, वो छात्र के लिए अपना एक अपना जो निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो जो निष्कर्ष वो निकालते हैं उस निष्कर्ष में उनकी कहीं ना कहीं खुद के विचार होते हैं, यानी कि हम कहें कि वो एक निष्पक्ष तौर पर अपना परिणाम न देकर उस परिणाम में कहीं ना कहीं वो पक्षपात कर जाते हैं। तो ये पक्षपात की नीति हो जाती है इसमें कि किस तरीके से वो अपने व्यक्तिगत चीजों को पूरा ना करके और अपने जो भी वो पूरा करने जाते हैं उसमें वो अपने स्वयं का स्वार्थ देखते हैं। इस व्यक्तिगत विचार में शिक्षक के स्वयं का स्वार्थ निहित होता है और इसी आधार पर वो छात्र के लिए एक आलोचनात्मक रूप में सामने आते हैं। वो मानते हैं ये उनके लिए चुनौती हो जाती है कि किस तरीके से वो छात्र को सेटिस्फाई करे कि ये हमारा व्यक्तिगत विचार नहीं है। फिर है हमारी कक्षा की संख्या और व्यक्तिगत विभिन्नता। आलोचना के लिए कहते हैं कि जब शिक्षक कक्षा में जाते हैं, हम देखते हैं कि कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या होती है वो निश्चित होती है, बच्चों की संख्या इतनी होती है कि छात्र को सभी छात्रों को सेटिस्फाई करना एक तरीके से उनके लिए चुनौती बन जाती है। और साथ में उनकी जो कहते हैं कि उनकी संख्या तो होती ही होती है, साथ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि जो छात्र हैं उनके सबके अपनी अपनी एक विभिन्नता होती है। हम देखते हैं कि प्रत्येक छात्र विभिन्न होते हैं, वो अपने मानसिक लेवल से अपनी उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता हम देखें तो हम उनकी मानसिक जो योग्यताएं होती हैं वो सभी बच्चों का एक ही नहीं होती। तो इसीलिए उनके खुद की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है कि कौन बच्चा, यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता में हम उनके इंटरेस्ट को भी ले सकते हैं, उनकी मानसिक योग्यता को भी ले सकते हैं कि व्यक्ति किस क्षेत्र में जाना चाहता है। तो यहाँ संख्या और व्यक्तिगत विभिन्नता दोनों हमारी जो होती है, यहाँ एक चुनौती होती है कि किस तरीके से उस व्यक्तिगत विभिन्नता को जो शिक्षक अपने लिए चुनौती बनाते हैं कि किस तरीके से उन्हें बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारी जो सारी चुनौतियां हैं, ये हमारी चुनौतियां एक आलोचनावादी शिक्षक के लिए थी कि आलोचनावादी शिक्षक के सामने ये सारी चुनौतियां आती हैं, उन्हें इन चुनौतियों का सामना करना होता है। इन चुनौतियों के सामने के द्वारा वो इन सब चुनौतियों का सामना करके और वो एक संपूर्ण शिक्षक बनते हैं। कहते हैं ना कि शिक्षक को आलोचनावादी भी होना चाहिए, अगर वो आलोचनावादी नहीं होते हैं तो हमारी कहीं भी किसी भी तरीके की जो कमी होती है वो कमी हमारे सामने नहीं आ पाती। हमें कमी बताने के लिए हमें आलोचना जरूरी होती है। तो ये थी आज की वीडियो में हमारे आलोचनावादी शिक्षक की चुनौतियाँ, जो प्रथम थी हमारी प्रत्येक छात्र को अवसर प्रदान करना, सेकंड थी छात्र की रुचि के अनुसार दिशा निर्देशित करना, थर्ड थी शिक्षक का मत यानी नकारात्मक और सकारात्मक जो मत लाते हैं, और फिर था व्यक्तिगत विचारों को महत्व, और लास्ट जो था हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कक्षा की संख्या, यानी कि जो कक्षा की संख्या होती है उसके आधार पर और व्यक्तिगत विभिन्नता। कहते हैं ना कि व्यक्तिगत विभिन्नता तो हमारे हर कार्य में हमारे लिए रुकावट होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो अलग अलग होती है। ये हमारी आज की वीडियो में थी। बच्चों, मैं प्रत्येक वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जो आज के शिक्षक हैं, हमारा जो आज का पाठ्यक्रम है, क्योंकि जो हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है अभी, उस सेकेंड यूनिट में हमारा पूरा पाठ्यक्रम के बारे में और पाठ्यक्रम का शिक्षक से क्या संबंध है, शिक्षक का किस किस रूप में हम सम्मान करते हैं या शिक्षक के कौन कौन से रूप होते हैं, इन सब वीडियो के बारे में, इन सब बिंदुओं के बारे में मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप इस जो भी वीडियो में बता रहे हैं उसको आप जो अपने मुख्य बिंदु हैं उन्हें अपने कॉपी में लिखें, और इनको जो भी आपको कहते हैं ना कि इस मुख्य जो हमारे बिंदु हैं ये आपकी परीक्षा में भी काम आने वाले हैं, साथ में आपकी आगे जो आप तैयारियां कर रहे हैं उसमें भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। धन्यवाद।